बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स, जिसमें हम अर्थ के लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सेल्फ सर्वे एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हमें कुछ सेंटेंस को कंप्लीट करना है पिक्चर को देखकर और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ फोर लेयर्स, फोर मेन लेयर्स, द इनर कोर, द आउटर कोर, द मेंटल एंड द क्रस्ट। वी लिव ऑन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड द क्रस्ट। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ अपर 30 to 100 किलोमीटर स्पेस। द क्रस्ट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। तो बच्चों, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसमें वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले है। शुरुआत में अर्थ बहुत अलग थी जैसी अब है उससे। तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई पानी नहीं था अर्थ की सतह पर। तो जैसे कि ग्लोबल थ्योरीज के हिसाब से कि आज के दिन बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए ह्यूज सिंपल मास ऑफ लैंड। अर्थ की क्रस्ट जो है उसमें बहुत बड़ी संख्या में प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऑफ सॉलिड रॉक फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड मेंटल। जो मेंटल होता है अर्थ के अंदर, उसमें सॉलिड रॉक की प्लेट्स तैरती रहती हैं और ये पिघली हुई जो रॉक होती हैं अर्थ के मेंटल की, ये कांस्टेंट मोशन में होती हैं, जिसकी वजह से हीट कन्वेक्शन होती रहती है जब अर्थ के अंदर। इस इंटरनल मोशन की वजह से प्लेट कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती है। इस तरह का जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है जिससे प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाती है, तो ये लैंडमास के टुकड़े टूट जाते हैं और वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं, चले एक जगह से खिसक जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स का डिवीजन हो जाता है। और ये जो अलग अलग लैंडमास है इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो जो लैंड की अर्थ पर जो सतह है, ऊपरी सतह है, वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब हम लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है, पृथ्वी की जो सतह है वो सब जगह पर एक जैसी नहीं है। कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर लो है, कहीं पर थोड़ी सी उठी हुई है, कहीं पर सी लेवल है। तो आइए बेसिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। माउंटेन्स, तो माउंटेन्स बच्चों एक लाइन में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसको कि माउंटेन रेंज बोलते हैं। और सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है वो हिमालय है। टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है माउंटेन का, उसकी चोटी होती है, और ये हाईएस्ट चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट की, वो 8848 मीटर है समुद्र तल से। तो माउंटेन के जो पीक्स होती हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी होती हैं। प्लेट्यू एक फ्लैट टेबल लैंड है, यानी कि जमीन से थोड़ा उठा हुआ एक फ्लैट लैंड होता है, और इसमें बहुत सारे मिनरल, आयरन, माइका, लाइमस्टोन इस रीजन में पाए जाते हैं। वैलीज एंड प्लेन, तो बच्चों वैली, दो वैली के बीच में जो लो एरिया होता है हिल्स के, उनको हम वैलीज या वैलीज बोलते हैं। प्लेन्स बहुत फ्लैट लैंड है बहुत बड़े एरिया में, तो वो जनरली फर्टाइल होती है क्योंकि जो नदियां हैं उनसे उनको पानी मिलता रहता है। और प्लेन्स जो होते हैं सी कोस्ट पर, उसको कोस्टल प्लेन बोला जाता है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ये बहुत बड़ा लैंड का एरिया है जो सैंड से कवर्ड होता है। यहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स आते हैं जनरली डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट है, और कैमल जो है उसे शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। पेनिनसुला, पेनिनसुला बच्चों एक लैंड का एक एक्सटेंशन है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। आइलैंड्स, आइलैंड एक लैंड का पीस है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और आइलैंड का ग्रुप्स जो होता है वो समुद्र को एक साथ, जो एक साथ होता है, जोड़े रखता है, उसको हम आर्चिपेलागो बोलते हैं। वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, बच्चों पानी जिस फॉर्म में अर्थ पर मिलता है, रिवर्स में मिलता है, रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी बहता है, और मेनली जो झरने होते हैं वो नदियां बनाते हैं मिलकर के, और वो पॉइंट जहां पर नदी स्टार्ट होती है उसे उसका सोर्स बोलते हैं, और जहां पर ये खत्म होती है उसे माउथ बोलते हैं। लेक्स, लेक भी एक वाटर बॉडी है जो कि लैंड पर पाई जाती है। इसमें दोनों तरह की लेक्स होती हैं, फ्रेश वाटर लेक और सॉल्ट वाटर लेक्स। सीज, समुद्र की बात करें तो सीज जो होती है उसमें सॉल्टी वाटर पाया जाता है, और ये ओशियन से छोटी होती है। मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, अरबियन सी कुछ इंपॉर्टेंट सीज है हमारे वर्ल्ड में।
थैंक यू।